न्योली नाद सुभान गति ये लड़े भुवंग हमेश। जड़ी जान जगदी से है विसनी व्यापै सेशु। अंश गमन करते नहीं ये मान सरोवर छाड़। कौवा उड़ उड़ जाता है वो खाते मांसाहाड़। अंश दशा तो साध है सरोवर है सत्संग। मुक्ता हलबाणी चुगे ये चढ़त नवेला रंग। अब इन चार पंक्तियों में तीन पंक्तियों में कैसा कमाल किया है। न्योली नाद सुभान गति लड़े भुजंग हमेशे। जड़ी जान जगदी से है विसना व्यापै सेश। अब क्या बताते हैं गरीबदास साहेब जी अपनी अमृतवाणी में के जैसे नेवला, नेवला एक जानवर होता है वो 9 इंच का हो से, गिलहरी आपने देखी हो, गिलहरी इससे थोड़ा बड़ा होता है और ब्राउन कलर के उसके बाल होते हैं, बाल ब्राउन कलर होता है, ऐसा ही मिलता जुलता इतना ही प्राणी होता है। और वो सर्प को मार देता है। सर्प कितना लंबा होता है, को 6-7 फुट का, 8-10 फुट का लंबा हो जाता है। लेकिन वो छोटा सा प्राणी उसको कैसे मार सकता है, उसकी एक विधि एक तरीका है उसके पास। वो सर्प को उस समय छेड़ता है जब उसको आसपास ये पता होता है कि इस झाड़ी में वो जड़ी है, उस जड़ी को सूंघ लेता है, उस जड़ी की महक को अपने अंदर समा लेता है और आकर के सर्प के सामने खड़ा होकर नेवला अपने श्वास छोड़ देता है। उस जड़ी की महक सूंघ कर जो आया था वो सर्प को सूंघा दी, उस जड़ी के सामने, उस जड़ी की महक के सामने सर्प को चक्कर आने लग जाते हैं, वो बेसुध हो जाता है। अब नेवला क्या करता है, जड़ी उस झाड़ी में जाता है, वो सूंघ कर आता है उस जड़ी को और सर्प के सामने दूर से निकट आकर के, कभी दूर हो जाता कभी निकट आता है और ऐसे छोड़ देता है उसको श्वासों को। अब सर्प चक्कर काट वो डरता है उस जड़ी से तो भागने की चेष्टा करता है और कुछ उसको वो ऐसे डगमग सा हो जाता है। तो फिर भाग के वो जंप लगा के नेवला उसके पीछे सर्प के शीश पर आ बैठता है पाछे गए और उसको पकड़ देता है और फिर मुंह के ऊपर फिर श्वास फिर छोड़ता उसके और वो कति बेसुध हो जाता है। तो सर्प को पकड़ के मार डालता है, नोच डालता है, खत्म कर देता है मुंडी से, मुख से, फन से खत्म कर दे, फिर मर जाता है। तो यहां क्या बताते हैं कि ये काल तो समझ ले अजगर है और आप नेवला हो, इस काल को आपने कैसे जीतना है उसकी विधि है। कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म की साधना, उस जगदीश की साधना, वो जड़ी है और उस सच्ची साधना सतनाम के आगे कहते हैं शेष नाग भी हो, यानी यहाँ के जो छोटे मोटे काल के व्यवस्थक अनुचर ये देवता भैरव भूत आदि इनका तो कहना है कि है, अगर इस नाम के सामने वो काल भी आ जाएगा तो भी उसकी नहीं बसावेगी तुम्हारे सच्चे नाम के सामने मर्यादा से भक्ति करने वाले की। न्योल नाद सुभान गति ये लड़े भुवंग हमेश। जड़ी जान जगदीश है विसना व्यापै सेश। और फिर क्या उदाहरण दिया है,
अंश गवन करते नहीं ये मान सरोवर छाड़े, कव्वे उड़ उड़ जाते हैं ये खाते मासा हाड़े। अंश दशा तो साध है सरोवर है सत्संग, मुक्ता हल बाणी चुगे फिर चढ़े नवेला रंग। हंस जो होते हैं संत मते में, हंस किसे कहते हैं, हंस वो भक्त है जिसने दूध और पानी छान लिया, यानी सत असत का जिसने निर्णय कर लिया। बीड़ी शराब मांस तंबाकू चोरी ठगी जारी बकवादों से परहेज कर लिया। एक हंस पक्षी होता है, आपने बुगला बहुत देखे होंगे, बुगले जो तालाबों के आसपास रहते हैं और वहाँ मछलियाँ खाते हैं, मछली उनने कुछ भी पा जा, गुग्गे पा जा, वो कीड़े मकोड़े भारत जैसे शंख जैसे उसके अंदर मांस सा होता जीव, उसको खा जा। कौवे भी ऐसे खाते हैं, कौवे भी मांस खाते हैं, को मछली ठहगी उसने छोड़ने नहीं, ऐसे कीड़े मकोड़े खाते हैं। तो कहने का भाव ये है कि जो हंस होता है, हंस पक्षी, वो उस मान सरोवर को जहाँ पर मोती होते हैं वो मोती खाता है, और बुगले जैसा होता है, अन्य पक्षियों जैसा ही प्राणी है, लेकिन वो मच्छी नहीं खाता, घोगे नहीं खाता, कीड़े मकोड़े नहीं खाता, वो केवल मोती खाता है। और एक गुण है उस हंस पक्षी के अंदर, वो अगर आप उसने एक गिलास दूध में एक गिलास पानी डाल दो और वो दूध दूध पी लेगा, पानी उसी पात्र में शेष छोड़ देता है। मालिक ने ऐसी कृपा, ऐसी कोई उसके अंदर गुण दिया है कि दूध और पानी को अलग कर लेता है, जल को छोड़ देता है, दूध को पी जाता है। तो पुण्यात्मा हंस उसी को कहा है जो कोई बुराई नहीं करते, चोरी ठगी नहीं करते, चोरी जारी नहीं करते, किसी की आत्मा नहीं दुखाते, बीड़ी शराब मांस तंबाकू नहीं कर प्रयोग करते हैं। और भाई जिन्होंने दूध और पानी छान लिया कि किस भगवान की भक्ति से कितना लाभ है, और यहाँ काल के लोक में हम कितने दुखी हैं, हम स्वर्ग महास्वर्ग में भी चले गए तो भी मृत्यु होगी, जन्म मृत्यु का रोग नहीं कट सकता, तो उनको हंस कहते हैं। कहते हंस गवन करते नहीं मान सरोवर छाड़े, और कव्वे उड़ उड़ जाते हैं वो खावे मासा हाड़े। हंस दशा तो साध है और सरोवर है सत्संगे, मुक्ता हल बाणी चुगे फिर चढ़े नवेला रंगे। जो हंस होते हैं, अच्छी आत्मा होती है, वो सत्संग छोड़कर नहीं जाते। ये सत्संग तो समझो एक तालाब है, सरोवर है, और आप जी हंस हैं, साध सोए जो सीधा चले, सब बुराइयों को छोड़ दे, भगवान की भक्ति करे, परमात्मा में ध्यान रखे, वो साध होता है। परमात्मा बार बार कहते हैं, कह कबीर सुनो भाई साधो, यानी हम तो साधु सम जा करते हुए डले ढोवे कान पड़वारे डाढ़ी पड़वारे जंगल में धक्के खावे, वह साध नहीं। साध तो वह जो सही भक्ति करे, सत भक्ति करे, बुराइयों तो बचकर है, वही मनुष्य साध है। तो क्या कहते हैं, हंस दशा तो साध है, आप जी तो हंस हैं, और सरोवर है सत्संग, और यहाँ ये परमात्मा के मोक्ष मार्ग रूपी मोती आप चुग रहे हो, ग्रहण कर रहे हो, और चढ़े नवेला रंग, जितना ज्ञान सुनोगे उतनी आस्था मालिक में और उमंग बढ़ेगी। चाहे सारा संसार एक तरफ और भक्त एक तरफ,
आप फिर इस ज्ञान से दूर, इस सत्संग को छोड़कर, इस दास को छोड़कर आप कहीं नहीं जा सकते। और जो यहां से छोड़कर जाते हैं उनके बारे में कहा है, वो तो कव्वे उड़ उड़ जाते हैं, जो खाते मांसा हार्ड, जिन पर बुराई नहीं छूटती, लालच लोभ नहीं छूटता, वो जाया करें, वो कव्वे हैं, वो हंस नहीं बने। हंस गवन करते नहीं मान सरोवर छाड़े, हंस नहीं जाया करते मान सरोवर ने छोड़कर, जहां ऐसी मोती मिलते हैं। ये कव्वे उड़ उड़ जाते हैं, वो खाते मांसा हार्डे, हंस दशा तो संसाद है, ये सरोवर है सत्संग, मुक्ता हलवाणी चुगे फिर चढ़े नवेला रंग। आगे क्या बताया वर्तवाणी में, दर्श परस नहीं अंतरा, दर्श परस नहीं अंतरा, रोमी वस्त्र बीच पारस लोहा एक डग, ये पलटे नहीं अबीच। अपने आत्मा कितनी, देखो वेदों और गीता को समझना बहुत आसान है, ये परमेश्वर का जो सूक्ष्म वेद है, परमेश्वर कबीर जी की महिमा से की वाणी, गरीबदास साहेब जी को परमात्मा ने अपना ज्ञान दिया, कबीर जी ने, गरीबदास जी भी कहते हैं कि मेरा ज्ञान योग दिया खोल, कबीर परमेश्वर जी ने मेरा ज्ञान रूपी योग खोल दिया, अर्थात मुझे वो अपना ज्ञान मेरे में फीड कर दिया। अब उस ज्ञान के आधार से क्या बता रहे हैं गरीबदास साहेब जी ने, दर्श परस नहीं अंतरा, अरुमी वस्त्र बीच पारस लोहा एक कंडे के पलटे नहीं अभीच। अब हंस और कौवे क्यों बन गए, हंस तो ज्ञान को समझकर समर्पित हो गए, वो तो बन गए हंस, और जिन्होंने मन दिया नहीं, सत्संग में आते रहे, बड़ी अच्छे श्रद्धालु दिखते रहे, लेकिन आस्था बनी नहीं परमात्मा से, गुरुदेव से उनका मेल नहीं बना। मेल का अर्थ ये नहीं होता कि आप आते हो, सेवा भी करते हो, साथ भी रहते हो, सत्संग भी सुनते हो, लेकिन अंदर से जगह, अंदर से कनेक्शन नहीं बना, अंदर से कसक नहीं बनी, तो कहते हैं उनमें परिवर्तन हो को न। जैसे एक लोह, एक पारस नाम का पत्थर होता है, पारस एक पारस पत्थर है, पत्थर जैसा होता है सिंपल, और उसको पहचानना सबके बस की बात नहीं, जैसे लाल को पहचानना। तो उस पारस का एक टुकड़ा पत्थर हो 1 किलो का, और उसको चाहे 100 टन लोहे का घिसा दे, एक स्थान पर टच कर दे उसको अच्छी तरह, उनका कति मेल हो जा, और फिर देखे, कहते उस पूरे के पूरे उस मास को, मंडल को, उस एक सरिये के ला दिया सरिये को, गार्डर के ला दिया गार्डर को, पूरे गार्डर के गार्डर को, थाम के थाम को सोना बना देता है। लेकिन कहते हैं परमात्मा लिखा पारस लोहा, दर्श परस नहीं अंतरा, अरुमी वस्त्र बीच। अब लोहा और पारस कति साथ साथ रखे हैं, और उन दोनों के टच होने में एक बिल्कुल इतना भी स्थान रह गया ना, जैसे कहते हैं रूमी वस्त्र, जैसे बाल, ये बाल है रोम कूप का, यानी बाल जितनी भी आपस में दूरी रहेगी, या बिल्कुल पतली सी जो वायल होती हैं बहने उड़ती हैं, या पतली चादर मुलमुल का कपड़ा, कहती ये भी इतना भी बीच में कपड़ा आर पार हो जाए, इतना भी डिफरेंस आपस में रहा, मिलन नहीं हुआ, चाहे कितने दिन पास रखे रहो लोहा और पारस, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। यानी जो व्यक्ति यहाँ भी रहते हैं, गुरुदेव के साथ रहते हैं, सत्संग भी सुनते हैं, और मिले नहीं मन से, वो हंस नहीं बन सकते, वो कौवे रहा करें, और ऐसे कौवे फिर छोड़कर इसको स्थान को जा सकते हैं, वो जाएंगे कि उनकी आदत सुधरी नहीं। आप प्रतिदिन पढ़ते हो नित्यनियम में, बिन गुरु मिले मोहे ना पावे। अब गुरु तो पास ही होते हैं, मिलने का अर्थ क्या है, गुरु जी से एक ही भाव हो जाना, समर्पित हो जाना, मन में दोष ना रखे,
गुरुजी कहते हैं गुरु मानुष कर जानते तो ते नर कही है अंध हुए दुखी संसार में आ गए इनके फंदे। तो यहां उस सतीथी को क्लियर किया है, दर्श परस नहीं अंतरा रूमी बस्तर बीच और पारस लोहा एक डिग वो पलटे नहीं अभीच। चार मुक्ति बैकुंठे बटे सप्तपुरी सैलान आगे धाम कबीर का हंस न पावे जाने। अब गरीबदास साहेब जी बता रहे हैं चार मुक्ति बैकुंठ तक की दौड़ है और सपतपुरी ऊपर अलग से एक अलग सात ऐसे इकट्ठा ग्रुप है, सात उनका नगरी बनी हुई है, उनका एक एक राजा बनाया जाता है जो अच्छी आत्माएं होती हैं। कहते हैं ये चौथी मुक्ति जो तुम साधना करते हो मैक्सिमम चार मुक्ति प्राप्त होंगी और वहाँ इन सात नगरियों के राजा भी बन सकते हो कभी कभी, कोई किसी का कोई किसी का। इनसे आगे धाम कबीर का आगे ऊपर हंस न पावे जान, यानी अच्छी आत्मा भी है भक्ति भी कर रहे हैं लेकिन गुरु जी से विमुख हो गए वो फिर आगे नहीं जा सकते। कहते इन बातें क्या पाइए कर सतगुरु नजर निहाल, यानी गुरु जी की आवश्यकता, गुरु जी का सहयोग, गुरु जी को के शरण में आस्था इनका जो है ना आखिरी श्वास तक तुम्हें सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आप जी इस दास के प्रति किसी कारण से भी कोई मन में दोष रखकर और दूर हो जाते हो, भक्ति भी कर रहे हो, फिर आगे नहीं जा सकते क्योंकि आप इस दास के सेवक को अनुयायी को इस दास से प्राप्त इस लाइसेंस को यानी पासपोर्ट जिसने मिल गया, मंत्र मिल गया, जाप मिला, नाम मिला, उस शिष्य को तिरकुटी पर जाकर परमात्मा इस दास के रूप में मिलेगा। और आप जी हैं जैसे आपका अंतःकरण मिला हुआ इस दास से, जब भी दास बाहर आते हैं आता है तो आपकी आंखें एक टक लग जाती हैं कहाँ है खड़ू जी, कहाँ से खड़े हैं, तो वो ही दशा होगी वहाँ पर। और जिनके अंदर दोष होगा चाहे वो वहाँ पर पहुँच गए हों तो वो पीछे न टलाया करें, अब छोड़ छोड़ पाँच हज़ार तो वहाँ उनको टाल देगा परमात्मा अपने आप। यानी जो स्वभाव आपका यहाँ बन रहा है ये एक रिहर्सल कराई जा रही है आपकी, दास तो एक आप जैसा ही है, आपका ही भाई बहन बच्चा आपका गुरु ला लो, लेकिन इस दास को आपने परमात्मा समझ के अपना भाव बनाना है उस मालिक के चरणों में पहुंचने के लिए। ये एक इक्वेशन है, ये एक फार्मूला है परमात्मा के पाने का। कहते हैं जैसे एक गणित का एक प्रश्न आता है जिसमें मूलधन ज्ञात करना होता है, वो ऋण का होता है, तो मूलधन ज्ञात करने के लिए उसमें क्या मानना पड़ता है, मान लीजिए मूलधन 100 रुपये, उस ओरिजिनल मूलधन वास्तविक मूलधन को प्राप्त करने के लिए यानी प्रश्न का हल करने के लिए सफल होने के लिए पास होने के लिए हमने सबसे पहले मानना पड़ता, मान लीजिए मूलधन 100 रुपये और फिर उसे हम उस वास्तविक मूलधन को प्राप्त करेंगे। वो 100 रुपये बहुत कम राशि होती है और वास्तविक मूलधन करोड़ों में होता है, लेकिन करोड़ों वाला मूलधन पाने के लिए 100 रुपये मूलधन मानना पड़ेगा। इसी प्रकार ये दास को इसी स्थिति में समझो, मान लो गुरुजी भगवान, दास भगवान नहीं दास है, लेकिन आप जी को ये फार्मूला लाना पड़ेगा और गुरुजी यहाँ भगवान है और भगवान इस दास के पास सामने हो तो आपकी कैसी बोली, कैसा रहना, कैसे विचार, जिस उस परम शक्ति को हम मिलने जा रहे हैं, जिस महबूब से हम मिलने की तैयारी कर रहे हैं और वो मिल सामने खड़ा होगा तो हमारी कैसी गतिविधि हो, कैसा हृदय में जगह हो, किस प्रकार का आचरण हो,
तो ये आपने इस दास के साथ रिहर्सल करके बनानी पड़ेगी। यहां कोई भी है, इस दास को आप आओगे, आते हो, मिलते हो, तो ये सोचे कि हम भगवान से मिलने चले हैं, क्योंकि वहां त्रिकुटी पर आप जाओगे, इस दास के रूप में मालिक बैठे मिलेंगे, और आपके मन में, क्योंकि वहां तो किसी कहने की जरूरत को नहीं, आपके अंतःकरण की अलग से, अब आपके माथे पर बोर्ड लग जाएगा कि इसमें कितना दोष है, इसमें कितना दोष है, रिजेक्ट हो जाओगे वापस, और जो पास हो गए वह पास हो गए। जिन्होंने गुरु जी को जैसा यहां आपका मेरे प्रति व्यवहार है, दास के भगवान के प्रति आपका ऐसा ही होगा। तो यहां क्या बता रहे हैं, चार मुक्ति बैकुंठ बट सप्तपुरी सैलान, आगे धाम कबीर का हंस न पावे जान। वाणी जान पाओगे, वाणी जा सकोगे, जब तक आप गुरु जी के प्रति पूरी श्रद्धा नहीं होगी। मौन रहे मग्नालय है ये मार्ग बंकी बाट, सुन शिखर गढ़ सुरंग है कर सतगुरु से साट। साट माने सतगुरु जी से सौदा कर ले, और सतगुरु के बिना आगे नहीं जा पाओगे। मौन रहे मग्नाल है और मार्ग बंकी बाट, और रास्ता बहुत टेढ़ा आगे का। सुन शिखर गढ़ में सुरंग है, ऊपर कहते हैं ऐसी सुरंग में से निकाल के ले जाएंगे बहुत गुफा से, कैसे निकलोगे, कर सतगुरु से साठ। नौ लख नानक नादे में ये दस लख गोरख तीर, लाख दत्त संगी सदा ये चरणों चरच कबीर। अब कबीर परमेश्वर की महिमा गरीबदास जी बताते हैं, नौ लख नानक नाद में और दस लख गोरख तीर, लाख दत्त संगी सदा और चरणों चरच कबीर। क्या बताते हैं कि नौ लख नानक नाद में, नानक जैसे महापुरुष पुण्यात्मा, नौ लाख नानक नाद में, यानी इसी सी आत्मा तो लाखों हैं परमात्मा के चरण जो पार हुई हैं, और नौ लख नानक नाद में दस लख गोरख तीर, और गोरख जैसे सिद्ध पुरुष परमात्मा ने, यानी उनके सामने आकर के उनको भी अपनी हार माननी पड़ी और सतमार्ग ग्रहण करना पड़ा। लाख दत्त संगी सदा ये चरणों चर्च कबीर, दत्तात्रेय जैसे भी, क्योंकि हम जिन महापुरुषों की गणिमा मान बैठे हैं उन्हीं की नाम गिनाए जाते हैं कि ऐसे ऐसे तो उस परमात्मा के चरणों में करा कितने आकर समर्पित हुए। नौ लख नानक नाद में ये दस लख गोरख पास, अनंत संत पद में मिले ये करोड़ तेरे रविदास। अब कहते परमात्मा की शरण माने के बाद अनंत संत भक्त आत्मा सतलोक प्राप्त करिए, बहुत गुणे असंख्य, और करोड़ों रविदास जैसी पुण्य आत्मा भी करोड़ों पार हो उस तरह, यानी जिस क्रिया में, जैसे रविदास जी कबीर जी के साथ बहुत निकट रहते थे, उनको पहचान चुके थे, कहते इसे इसे संत भगत भी बहुत कबीर जी के हुए हैं, वो इस तरह भी पास पार हुए हैं। गोरख जैसे आकर वाद विवाद किया उन्होंने, फिर ज्ञान ग्रहण किया, इसे भी बहुत हैं जो परमात्मा के चरणों में लगे हैं। नानक जी जैसे भी को पार किया, जैसे बेई नदी से ले गए उनके ऊपर शरीर को, आत्मा को सतलोक दिखाया, सत्संग दिखा के छोड़ा, फिर भगवान को पहचाना, कहते ऐसे ऐसे इस तरीके से भी अपने बहुत से पार किए हैं। रामानंद से लक्ष्य गुरु ये तारे सिसके भाई, और चेलों की गिनती नहीं जो पद में रहे समाए। कहते रामानंद से लक्ष्य गुरु, अब रामानंद जैसी आत्मा भी कहते हैं उनका शिष्य बने भगवान, उनको इस तरीके से पार कर दिया, और चेले की तो गिनती नहीं जो सीधे नाम लेकर पार हो गए, जो मालिक के पद में रहे समाय, यानी सतलोक में भेज दिए। बोलो सतगुरुदेव।